हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो शिक्षक बहाली हुआ था TRE 2 में, देखिए 17 शिक्षकों का प्रमाण पत्र पाया गया फर्जी शो कॉज। TRE 2 के अधिकांश सब शिक्षार्थी है, जो अधिकांश जो है वो छात्र है, वो UP, झारखंड और बंगाल के हैं। जांच के मामले हैं खुलासा। अभी देखे होंगे कि बंगाल में एक लड़का को पीटा गया बिहारी को, और ये सब आके नौकरी कर रहा है, वो भी फर्जी कागज़ पर। अभी इतना दिन से वेतन उठाया, 10-11 महीना हो गया, बाद में हट भी जाएगा तो वेतन जो वेतन है वो रिकवरी होगा नहीं। तो यहाँ का यही स्थिति है, और बिहार में यही सब होता है। यहाँ के नेता सब ही चोर है, तो आगे क्या कहा जाए। देखिए, लिखा है कि TRE 2 के दौरान नियुक्ति शिक्षकों के प्रमाण पत्र तो क्या लिखा है कि TRE 2 के दौरान नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच में 17 नियुक्त शिक्षकों का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। मामले को लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी शिक्षकों को स्थापना प्रशाखा प्रतांग इतना पत्र लिखकर शोको जारी किया है। DPO स्थापना ने पत्र लिखकर कहा कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है। आपके द्वारा दिए गए शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच में स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं। दूसरा चीज़ क्या है कि देखिए, ये जो आपके जितने भी है, देख लीजिए, ज्योति राजपूत 6-8 की टीचर है, UP की है। विवेकानंद झारखंड का, सैनी कुमारी बंगाल का, कविता कुमारी UP का, सालूदेव UP झारखंड, ये सब आप देखिए खाली UP झारखंड का मिल रही है। इसका क्या है कि +2 के टीचर है बहुत, जो लोग जॉब कर रही है, इस लोग को जॉब से अब हटा भी दिया जाएगा। तो इतना महीना का पैसा लिए, इसके जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति का, बिहार के व्यक्ति का जॉब होता। तो यहाँ पर क्या है कि ना अधिकारी लोग ठीक है, ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक से हुआ, ना कोई चीज़ नोटिफिकेशन किया गया, जैसे CTET या STET जो चीज़ में ये लोग फेल थे, या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। तो ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखना चाहिए, तो सोचे अंधाधुन जॉब देते गए कि हम बहुत जॉब बांट रहे हैं, कितना जॉब मिला वो सब देख ही रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार का है कि ना विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन था BPSC के द्वारा जारी किया गया था, ना उसको स्पष्ट क्लियर किया गया कोई भी चीज़ की CTET में अन्य राज्य के, वो महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, उनको 60% चाहिए, स्टेट में 50% चाहिए, तो कोई क्लियर नहीं था, जिसके कारण ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। हर जगह आप देखिएगा फर्जीवाड़ा मिलते ही जा रहा है। कोई भी अब जिला में ये चीज़ नहीं छुपा है, जो जिला में अभी नहीं आया तो उसका जांच अभी नहीं हुआ है। तो सभी जगह यही स्थिति है जहाँ पर फर्जी टीचर निकल रहे हैं। तो ये स्थिति बिहार का बन चुका है।